दुनिया को बचाने के लिए महाडील, रूस यूक्रेन के बीच बड़ा समझौता, अब नहीं रहेगा कोई भूखा। यूक्रेन और रूस ने एक डील पर हस्ताक्षर करके पूरी दुनिया पर मंडरा रहे संकट को फिलहाल के लिए टाल दिया है। दोनों युद्धरत देशों के बीच मिरर डील के जरिए रजामंदी बनी है। कीव को काला सागर के रास्ते अनाज के एक्सपोर्ट को फिर से शुरू करने की अनुमति रहेगी। इस डील के बाद अब वो लाखों टन अनाज एक्सपोर्ट किया जा सकेगा जो युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसा हुआ है। बताते चलें कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद से दुनिया में अनाज की कमी नज़र आने लगी, जिसका असर बड़े पैमाने पर दिखने के अनुमान था। आपको बता दें, यूक्रेन और रूस ने मिरर सौदा हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता कीव को काला सागर के माध्यम से अनाज के निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति देगा। समझौते से लाखों टन अनाज निर्यात किया जा सकेगा जो वर्तमान में युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसा हुआ है। रूस के 24 फरवरी के हमले के बाद से यूक्रेनी अनाज की दुनिया में कमी ने लाखों लोगों को भूख के खतरे में डाल दिया। हालांकि कीव ने मॉस्को के साथ सीधे समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और चेतावनी दी कि उकसावे को तत्काल सैन्य प्रतिक्रिया के साथ पूरा किया जाएगा। दोनों पक्ष तुर्की इस्तांबुल में हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए, लेकिन एक ही टेबल पर नहीं बैठे। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पहले मॉस्को के समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसके बाद यूक्रेन के बुनियादी ढांचे के मंत्री अलेक्जेंडर कुर्बाकोव ने कीव के समझौते पर हस्ताक्षर किए। बता दें, रूस और यूक्रेन ने तुर्की और यूएस के साथ अलग अलग समझौते कर लाखों टन यूक्रेनी अनाज और रूसी फूड और फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट का रास्ता साफ कर दिया। इसके साथ ही दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी को लेकर बना गतिरोध खत्म हो गया। जानकारी के लिए बता दें, ये डील जिस तक पहुंचने में 2 महीने लगे, 120 दिन तक चलने के लिए तैयार है। इस्तांबुल में एक समन्वय और निगरानी केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसमें संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, रूसी और यूक्रेनी अधिकारी होंगे। दोनों पक्ष के सहमत होने पर इसमें नवीकृत किया जा सकेगा। गौरतलब है कि यूक्रेन के अनाज की नाकाबंदी ने वैश्विक खाद्य संकट पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से ब्रेड और पास्ता जैसे गेहूं आधारित उत्पाद अधिक महंगे हो गए और खाना पकाने के तेल और उर्वरक की कीमत भी बढ़ा दी है। यूक्रेन आमतौर पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अनाज निर्यातक है। ये आमतौर पर दुनिया के सूरजमुखी तेल का 42%, मक्का का 16% और गेहूं का 9% उत्पादन करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।